और अब राहुल गांधी का ट्वीट भी अपने दर्शकों को हम दिखाएं यहाँ पर। हाँ, एक माँ और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है। मोदी जी, इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। मैं आशा करता हूँ आपकी माता जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। तो ये राहुल गांधी जो प्यार की, मोहब्बत की, अंडरस्टैंडिंग की बात एक तरफ कर रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता ही हैं जो राहुल गांधी की बात को गिरा रहे हैं, उसे हल्का कर रहे हैं। देखिए अदिति जी, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी स्वस्थ नहीं है, उनके जल्द स्वस्थ होने की हम सब कामना करते हैं, पूरा देश कामना करता है। और निश्चित तौर पे एक मां का दर्द जो है वो बेटा ही समझ सकता है और बेटे के दर्द को मां समझ सकती है। ये बड़ा अनमोल रिश्ता है। एक बात, दो तीन बातें अभी जो नफरत और तमाम तरीके की बातें चल रही हैं, अलग अलग कंफ्यूजन की बातें चल रही। देखिए, निश्चित तौर पे कुछ बातें तो हम लोगों को एडमिट करनी पड़ेंगी कि आज 2014 से और आज तक की स्थिति को अगर बहुत गंभीरता से एनालिसिस करें आप, तो जो सामाजिक समरसता है वो नष्ट हुआ है। जो आपस में कहीं ना कहीं एक जो मोहब्बत से लोग रह रहे हैं, उसमें दूरियां और खाई बढ़ाने का प्रयास तो किया गया, इस पर बड़ा काम हुआ, लेकिन उस तरफ काम नहीं हुआ जिसकी सख्त जरूरत है। आज आप इस बात को देखें कि इस मुल्क में 84% लोग ऐसे हैं जिनका इनकम 2014 से अब कम हुआ है, लगातार घटा है। 142 भारतीय ऐसे हैं कि जिनका इनकम जो है वो 30 लाख करोड़ से ज्यादा भी बढ़ गया है। मैं बताना चाहता हूं, एक तरफ तो गरीब मजदूर मर रहा है, भुखमरी के कगार पर है, और दूसरी तरफ हमारे माननीय मोदी जी के कुछ मित्र ऐसे हैं जो एक दिन में 1000 करोड़ कमाते हैं। आर्थिक समर ये कहीं ना कहीं जो समानता ये विषमता में बदली है, वो समानता कहीं ना कहीं टूटी है, खाई बड़ी है। एक बात, दूसरी बात मैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करूं। कह रहे मुद्दे से भटका, निश्चित तौर पे मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आप देखिए ना, 2021 में रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या था, 4.23, आज क्या है, अप्रैल में भी एक रिपोर्ट आई है 7.79। और यहां तक कि आप देखिए पूरे देश में, कहा साहब बड़ी नौकरी दी, बहुत नौकरी दी, अभी संसद में एक केंद्रीय मंत्री इनके बयान देते हैं कि साहब 22 करोड़ लोगों ने रोजगार के लिए अप्लाई किया, हमने सिर्फ 7.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। साहब आपने तो वादा किया था ना, कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, कहां गया 2 करोड़ नौकरी? आप देश को सिर्फ गुमराह करेंगे, धर्म के नाम पर देश को गुमराह करेंगे, आपस में भाई को भाई से जुदा करेंगे, पड़ोसी से पड़ोसी को जुदा करेंगे, नफरत की बात करेंगे। अगर कोई स्टेटमेंट, मान लिया मणिशंकर अय्यर जी ने स्टेटमेंट दिया, सलमान खुर्शीद जी स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप उस पर तो चर्चा कर रहे हैं। आज आप महंगाई पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज आप सत्ता का जो केंद्रीकरण हुआ है उस पर चर्चा नहीं हो रहा है, तमाम हालात देश के बिगट हो गए हैं। आप इस मुल्क में 133 लाख करोड़ रुपया 8 साल में कर्जा लिया गया है, तमाम कह रहे साहब जीएसटी में बहुत पैसा हमने कलेक्ट किया, बड़ा कामयाब फार्मूला था, कहां गया जीएसटी का पैसा? सर तो पूछना चाहता है, एक सेकेंड सर, आपने कितने प्रोटेस्ट बीते 6 महीने में किए हैं सर समाजवादी पार्टी द्वारा, कितने प्रोटेस्ट किए गए? हम प्रोटेस्ट करें, ना आप चैनलों को लेक्चर दें, सुन लीजिए ना, आप चैनलों को लेक्चर दें ना, प्रोटेस्ट आप ना करें, प्रोटेस्ट जर्नलिस्ट निकले और प्रोटेस्ट जर्नलिस्ट करें, है ना? सुनिए ना, आप बात करने दीजिए, हाँ बात कीजिए ना, आपका भाषण मैंने सुना काफी देर तक, बात करने दीजिए, हाँ बात कीजिए ना, लेकिन 20 सेकंड बात करने के लिए दूंगी क्योंकि मैं डिबेट कर रही हूँ और मुझे दूसरे गेस्ट को भी यहाँ पर डिबेट में लेकर आना है। अरे दूसरे गेस्ट को तो मुझे भी तो मौका देंगे, हाँ तो आपको दिया ना मौका, 2 मिनट से आप बोल रहे हैं, 2 मिनट से आप बोल रहे हैं, 2 मिनट से अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, आप रिपोर्ट देखिए ना इस बात को, नहीं नहीं सर, ये बातें डिबेट तक ही केंद्रित क्यों है, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, ये बातें सिर्फ डिबेट के लिए ही क्यों रखी गई है, डिबेट के लिए ही क्यों रखी गई है? ओपोजिशन का काम सिर्फ डिबेट में आकर ये बताना है कि चैनल को क्या करना है, बस ये काम है, नहीं नहीं ओपोजिशन का काम बस यही बताना है कि क्या करना है, इसकी जिम्मेदारी है, सुनिए मेरी बात, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है विपक्ष का सम्मान करें, विपक्ष का स्तंभ है इस देश का, तो किसने इनकार किया इससे, किसने इनकार किया इससे, किसने इनकार किया सर? आप लड़िए बीजेपी से, चैनलों से मत लड़ा कीजिए, मैं आप सबसे बस यही कहती हूँ, सुन लीजिए सर, सुन लिया मैंने, सुना मैंने काफी देर, सुना, जवाब लीजिए, मुझे इस डिबेट को वापस मुद्दे पर लेकर आना है, ठीक है सर, और कोशिश कीजिएगा प्रोटेस्ट करें आप जल्दी ताकि उसमें बहस हो सके ग्राउंड से।
अरे सुनिए ना, हाँ हाँ सर सुन रही हूँ मैं, सुनूंगी आगे सुनूंगी आगे सुनूंगी। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को जरा इनकी पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट जरा फिर से सुनवा दीजिए, और उसके बाद रामकदम द्वारा जो कहा गया मणिशंकर अय्यर के स्टेटमेंट को लेकर वो भी सुनवा दीजिए। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर भारत को टुकड़े टुकड़े बनाने वाले ये संघ परिवार के लोग हैं, और उनका जो बुरा काम है उसके खिलाफ ये यात्रा चलाई जा रही है। भारत को जोड़ने की आवश्यकता है, हम तो महसूस करते हैं कि टूटा हुआ है भारत, बहुत उसको टूटने का प्रयास हो रहा है, और इसके खिलाफ हम सबको लड़ना है, आपको भी लड़ना है, हमें भी लड़ना है, और इसका एक मैनिफेस्टेशन ये यात्रा है। कहां से दिख रहा है भारत टूटा हुआ? शर्म आनी चाहिए कांग्रेस नेताओं को, इनमें वोट लगी है अपने देश को नीचे दिखाने में। कम से कम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में सोचा होता, जिन्होंने महत प्रयासों से इस देश को एक किया। हमारे साहसी जवानों के बारे में सोचते जो अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर खड़े हैं, अपनी शहादत देने के लिए तैयार है ताकि ये भारत देश एक रहे। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, राहुल गांधी की प्यार मोहब्बत की बातें और मणिशंकर अय्यर साहब क्या टुकड़े टुकड़े? मणिशंकर अय्यर साहब ने एक भी शब्द गलत नहीं कहा है। मणिशंकर अय्यर साहब ने जो कहा है उसी पर हम ताईद करते हैं, बिल्कुल कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही है, आप चाहे कुछ कहती रहे। नंबर एक। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब वर्तमान की जवाब नहीं दे पाते हैं अदिति जी, उस वक्त वो फिर कभी पटेल साहब के पीछे छुप जाते हैं, उन्हीं पटेल साहब के पीछे छुपते हैं जिन्होंने आरएसएस को बैन किया था। जवाब दे दे, आरएसएस को बैन क्यों किया था उन्होंने, नंबर एक। नंबर दो, वो भारतीय सेना के जवानों के पीछे छुप जाते हैं जब वो सीमा की रक्षा नहीं कर पाते हैं। नंबर तीन, वो चंदा चोर राम मंदिर के पीछे और धर्म के पीछे छुप जाते हैं, तो ये नहीं चल पाएगा। अब आप कुछ भी कर लीजिए। अभी मैं राकेश सिन्हा जी की बड़ी इज्जत करता हूं, राकेश सिन्हा जी आज पहली बार मुझे भटके हुए दिखाई दे रहे हैं। आप पूछ रहे हैं यात्रा के बारे में, वो चले गए 1937 तक, बाकी सारा काम राजीव भाई ने कर दिया, राजीव रंजन जी ने उनके कर दिया, उनके पास अब बोलने को कुछ नहीं है। हम इस झूठ के ही खिलाफ तो लड़ रहे हैं, हम इस प्रपंच के ही खिलाफ तो लड़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि साहब आपने अगर कुछ अच्छे काम किए हो तो बताइए। वो अच्छे काम कहते हैं हमने नोटबंदी कर दी, अगर नोटबंदी से कुछ अच्छा काम हुआ हो तो बता दीजिए, देश की अर्थव्यवस्था कहां से कहां चली गई, 59 रुपए में डॉलर था आज 83 रुपए में डॉलर है, क्या ये बात सच नहीं है? 70 रुपए का तेल था आज 100 रुपए से ऊपर का पेट्रोल है, ये क्या सच नहीं है? देश के ऊपर 49 लाख करोड़ का कर्ज था 2014 में, आज 149 लाख करोड़ का कर्ज है, क्या ये सच नहीं है? तीन गुना कर्ज बढ़ गया, क्या ये सच नहीं है? देश में पहले जो था 28 करोड़ लोग बेरोजगार के नाम गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, मध्यम वर्ग हुए थे, 2014 से 2022 के बीच में 25 करोड़ लोग तो गरीबी रेखा के नीचे चले गए और 5 करोड़ 60 लाख अत्यंत गरीबी रेखा के नीचे चले गए, क्या ये सच नहीं है? देश में भुखमरी का इंडेक्स ये आ गया है कि 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन फ्री देना पड़ रहा है, क्या ये सच नहीं है? तो मणिशंकर अय्यर जब टुकड़े टुकड़े बात करते हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? वो संघ की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बार फिर और उनके अनुसांगिक संगठनों की बात कर रहे हैं, उनके साथी मीडिया की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आप मीडिया से तो आपको काफी लगाव है, यही तो प्यार मोहब्बत की भाषा है जो राहुल गांधी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इसलिए तो मैं कहती हूँ कंफ्यूजन की स्थिति है पूरी मीडिया से, हमारी मीडिया से बहुत मोहब्बत है। अरे कोई बात नहीं, आप मोहब्बत करते रहे साहब, मोहब्बत करनी चाहिए, बहुत मोहब्बत है हमारी जी मीडिया बिल्कुल से, होनी तो चाहिए सर, बारंबार प्रणाम करते हैं सैकड़ों बार सुबह से शाम तक, बिल्कुल बिल्कुल, कई बार आपको प्रणाम करना चाहिए। हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल आपको करना चाहिए ना, राहुल गांधी प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, हम तो पूरा सम्मान करते हैं, आपको तो करना चाहिए, जो आपकी बात दिखाता है आपको तो उसे प्रणाम करना ही चाहिए सर, आपकी बात जो जनता तक पहुंचाता है उसे प्रणाम आपको करना चाहिए, मैसेंजर को शूट नहीं किया जाता है, बस यही कहने की कोशिश कर रही थी।